Welcome back, students. Today we read our session 3, working with tables in a presentation. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना session 3, जो कि है presentation में table को कैसे insert करते हैं, table में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है? In this session, we read about what is tables, how we insert table in a presentation, and how we delete tables in a presentation. Okay? So let's start. Our first topic is tables. Table kya hai? Tables are another tool you can use to display information in PowerPoint. Tables kya hai? Tables ek prakar ki tool hai jo PowerPoint mein information ko display yani information ko dikhane ke kaam aate hain. Theek hai? A table is a grid of cells arranged in row and columns. Table kya hai? Table hai a grid of cells. जो अरेंज रहती हैं किसके फॉर्म में, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है? टेबल्स आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज प्रेजेंटिंग टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डाटा. टेबल्स आपके बहुत सारे वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के काम आती है, जैसे अगर आपको टेक्स्ट इंफॉर्मेशन डालनी है या न्यूमेरिकल डाटा डालना है या उसको अच्छे ढंग से अरेंज करना है, उसके काम आती है. यू कैन इवन कस्टमाइज टेबल टू फिट योर प्रेजेंटेशन. आप अपने टेबल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं. टेबल कैन बी इंसर्ट इन टू वेज. हम टेबल को अपने पावर पॉइंट में दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं. पहला है यूजिंग इंसर्ट टैब, या तो हम इंसर्ट टैब का यूज करें या यूजिंग लेआउट या लेआउट का यूज करें, ठीक है? Using insert tab. अब insert tab को use करने के लिए हमें एक PowerPoint खोलना होगा. ये देखिए हमने एक PowerPoint खोल रखा है, ठीक है? यहाँ पर आपका home tab के बगल में insert tab होता है. insert tab को आपने क्लिक किया, इसके नीचे tables group आएगा, ठीक है? tables group आएगा, tables group में आप क्लिक करेंगे. अब table को insert करने के लिए या तो आप simply इसको grid करेंगे, देखिए नीचे होते जा रहा है. अगर नहीं करना है आपने तो insert table में क्लिक करेंगे. इंसर्ट टेबल में जब आपने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुला जो आपसे पूछ रहा है नंबर्स ऑफ कॉलम. कितने नंबर होने चाहिए कॉलम के? सपोज हमें 10 चाहिए. नंबर्स ऑफ रोज, कितने रोज के नंबर चाहिए, कितने रोज चाहिए? सपोज हमें 10 चाहिए, ठीक है? हमने सेलेक्ट कर दिया डाटा, 10 कॉलम 10 रो की हमें एक टेबल चाहिए. अब हम ओके कर देंगे. देखिए जब हमने ओके किया, इसको चेंज करेंगे, जब हमने ओके किया तो देखिए कितने कॉलम हुए. हमने 10 सेलेक्ट किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 तो आपके कॉलम हैं और रो कितने हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हमारी 10 रोज और 10 कॉलम की एक टेबल इंसर्ट हो गई है, ठीक है? अब हम इसका दूसरा मेथड पढ़ेंगे जो कि है आपका यूजिंग लेआउट ऑप्शन, ठीक है? अब ये है, ये कह रहा है कि आप लेआउट ऑप्शन का यूज करके भी इसका इंसर्ट कर सकते हैं, किसको? टेबल को. अब लेआउट ऑप्शन आपका कहाँ होता है? लेआउट ऑप्शन होता है आपका होम टैब में. देखिए हमने होम टैब को पहले से सिलेक्ट कर रखा है, होम टैब को हमने सिलेक्ट किया. उसके बाद स्लाइड्स ग्रुप, ये आपका स्लाइड्स ग्रुप है, इसके सबसे ऊपर लेआउट ऑप्शन है. लेआउट में जब आपने क्लिक किया तो आप यहाँ जाएंगे टाइटल या टाइटल एंड कंटेंट में. टाइटल एंड कंटेंट हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर लास्ट जो हमने सेशन पढ़ा था उसमें हमने इसे पिक्चर इंसर्ट करी थी, इससे मीडिया क्लिप इंसर्ट करी थी, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, इंसर्ट टेबल. अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आपका दोबारा खुल जाएगा जो हमने आगे खोला था. हमें सपोज 5 कॉलम और 5 रो की एक दूसरी टेबल चाहिए, हमने क्लिक कर दिया तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 कॉलम है इसमें और रो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 रो और 5 कॉलम की एक टेबल आपकी इंसर्ट हो गई है, ठीक है? आप इसको रिसाइज कर सकते हैं. रिसाइज क्या करेंगे, सिंपल अप डाउन, अगर छोटा करना है आप छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें कॉलम को इंसर्ट करेंगे. अब अगला है आपका टू डिलीट अ रो और अ कॉलम, ठीक है? इसकी रो और कॉलम को आप कैसे डिलीट करेंगे? इसकी रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए सिंपल लेआउट टैब की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? अब लेआउट टैब की हेल्प से आप कैसे करेंगे, ठीक है? लेआउट टैब यहाँ पर है आपका,
यह आपका लेआउट टैब है, ठीक है। अब डिलीट ऑप्शन, डिलीट कॉलम, अगर आपको एक कॉलम डिलीट करना है, करा तो देखिए 1 2 3 4, आपकी 5 कॉलम थी, अब केवल 4 बचे। सपोज हमें एक और कॉलम डिलीट करना है, हमने कर दिया डिलीट सेलेक्ट करके 1 2 3 4। सिंपल आपने क्या करना है, लेआउट टैब में जाना है, रो एंड कॉलम्स ग्रुप में जाना है, डिलीट ऑप्शन में क्लिक करना है, डिलीट आपको कॉलम करना है कि रो करना है। अगर आपको रो करना है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो हम 1 रो को डिलीट करेंगे, तो आपका कितने रो बच गए, 1 2 3 4, आपके 4 रो हैं, देखिए 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेटिंग टेबल। अब फॉर्मेटिंग टेबल का हम यूज क्यों करते हैं, फॉर्मेट टेबल्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ योर चार्ट्स लुक। अगर हम अपने टेबल को फॉर्मेट करेंगे, यानी इसको सजाएंगे या उसमें चेंजेस करेंगे, तो वो डिफरेंट इफेक्टिव वे में करेंगे, इससे हम क्या होगा, हमारा जो टेबल है वो इफेक्टिव होगा। पावर पॉइंट्स ऑफर्स न्यूमेरियस प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल दैट यू कैन यूज टू क्विकली फॉर्मेट अ टेबल। पावर पॉइंट क्या करता है, न्यूमेरियस प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।